नई चालबाजी, कजाकिस्तान में बन रहा गुप्त सन्नाटा, क्या ये सच्चाई है या फिर अफवाह? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में रहने वाले मुद्दों पर बात करेंगे। हाल ही में खबर आई थी कि चीन कजाकिस्तान में 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक गुप्त सैन्य अड्डा बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीन पिछले एक दशक से इन सैन्य अड्डों का निर्माण कर रहा है, जो कि भारत के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। दरअसल ये स्थान पीओके के करीब है और अफगान सीमा पर स्थित है। हालांकि द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि चीन इस अड्डे पर गोला बारूद जमा कर रहा है और इसे काउंटर टेर बेस के रूप में प्रयोग करना चाहता है। इस मामले पर चीन ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए इन सभी खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इन्हें निराधार बताया है। चीन दूतावास ने स्पष्ट किया है कि कजाकिस्तान में चीन सैन्य अड्डे को लेकर जो भी मीडिया में खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। यह मुद्दा चीन कजाकिस्तान एजेंडा में भी शामिल नहीं है। अब जरा इसे ऐसे समझते हैं कि डिप्लोमेटिक रूप में यह जगह किसके लिए कितनी जरूरी है। रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह जगह चीन के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा स्थान है जो 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर चीन सच में कोई ऐसा अड्डा बना रहा है तो इसे चीन को पूरे मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की और अहम मदद हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चीन और कजाकिस्तान के गुप्त सैन्य अड्डे के बारे में। आपको क्या लगता है, ये खबर सच है या फिर अफवाह? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक जानकारी से अपडेट रह सकें।